हेलो जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे अपनी लाइफ में। और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और 24 आवर्स रोड लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, कल रात को कल यहाँ पे आ गया था, ये हमारा कैंप है। और रात को कल बज गए 10, तो मैं यहाँ पे आ गया था और सुबह हो चुकी है, तो मैं फ्रेश हो गया। सामने पेट्रोल पम्प है, फिर यहाँ पर मुँह धो लिया और सुबह सुबह अंकल चाय लेके आ गए। तो गर्मा गर्म अयोध्या पे हमारा वेलकम हुआ चाय के साथ, और अभी हम चाय पीने जा रहे हैं। तो बहल कल की बात बता दूँ तुमको, जैसे 200-250 लड़के घेर लेते ग्राउंड में, वैसे कल मुझे जैसे ही आया यहाँ पे तो मच्छरों ने पूरी चारों तरफ से घेर लिया। तो मैंने फटाफट कैंप लगाया, इसके बाद अंदर हो गया। तो एक दो अंदर चले गए, तो फिर उनको तो मैंने मार दिया। बाकी जो मच्छर थे उनको जुगाड़ के लिए मैंने ओडोमॉस लगा लिया। मैंने कहा अब आओ तुम्हारे पिछवाड़े में लाल मिर्ची लगाऊंगा। तो कल बचाव हो गया मच्छरों से। भाई ऐसे लग रहा था कि मैं किसी जंगल में फंस गया हूँ। तो मच्छर बहुत यहाँ पे टाइट है यार। और ये देखो सनराइज हो रहा है और ये अयोध्या नगरी में हम हैं। सामने देख सकते हो ये हाईवे आपका, और हमको बनारस जाना है। तो ट्रैफिक शुरू होने से पहले हमें निकलना चाहिए, और यहाँ से मेरा जो टारगेट है 200 किलोमीटर है। तो भाई देखो 7:30 हो रहे हैं और मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। तो अंकल बोले कि यार होली है तो होली मिलके जाओगे नहीं? मैंने कहा अरे अंकल कैसी बात कर रहे हो। तो फिर अभी अंकल गुलाल लगाने जा रहे थे, तो दिन की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं अयोध्या से। तो होली की भी यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, बाकी आपको होली जाके दिखाएंगे। तो ये भैया है जो कि कल भैया से मिला था, आपने देखा ही होगा। और ये अंकल इन्होंने आज चाय पिलाया। तो यार मैं ये मैटर नहीं करता कि आपकी कितना बड़ा बिजनेस है कितना छोटा है, बस दिल मैटर करता है, इंसान मैटर करता है कि आपका इंसानियत कैसा है, स्वभाव कैसा है, और आप लोगों के प्रति आप कैसा व्यवहार रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बाकी मरने के बाद जिंदा आदमी जिंदा रहता है, जैसे सिद्धू मूसेवाला, ठीक है? तो चलो थैंक यू। तो ये था हमारा अयोध्या से प्यार। और यार बताओगे नहीं कैसा लग रहा होली में, शुरुआत हो गई है रंग की और यहाँ से खेलते हुए जा रहे हैं हम। ये देखो भाई, ये रास्ता आपका मुड़ जाता है। अगर सीधा जाओगे लखनऊ, लेफ्ट जाओगे तो यहाँ से आप सुल्तानपुर होते हुए निकल जाओगे वाराणसी, बनारस काशी। यूपी कानपुर से मैं बनारस जा रहा हूँ, और ये मेरा तीसरा दिन है। और अयोध्या में आया हूँ, यहाँ से मैं लोगों से हेल्प ले रहा हूँ, कोई हेल्प नहीं कर रहा। और ये सुबह सुबह पहले दिन में मिली है भाई साहब से, जिन्होंने बोला कि आ जाओ, मैं आपको जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक छोड़ दूंगा। तो भैया क्या नाम है आपका? अशोक भैया का नाम है। और यार मैं आपसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ मुझे आप बनारस छोड़ के आओ, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ जहाँ तक जा रहा हूँ वहाँ तक छोड़ दूँ। कई ज्ञानी मिलते हैं यहाँ तक जाइए भैया, कुआ तक जाइए, कोई ये नहीं बोला कि लेके चल रहे। देख लो ये भाई साहब ने हेल्प किया है। गाइस दोपहर के 11:30 बज रहे हैं और फाइनली लिफ्ट मिल गई है बनारस तक। और ये सर जी ने दिया। भैया क्या नाम है? इस्लाम। और ये बनारस तक से जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल से। तो बनारस की गाड़ी लिफ्ट मिल गई है, आज मैं पहुंच जाऊंगा बनारस। तो दोपहर के 3 बज रहे और खाना खाने जा रहा हूं, दाल फ्राई और रोटी सलाद। बनारस पहुंचने वाला हूं। महादेव की नगरी काशी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं शोभित कलेक्शन रॉक्स। तो आप आ चुके हैं काशी नगरी में। तो हमारी काशी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। और ये एंटर कर रहे हैं हम वाराणसी काशी में। के नीचे देखो साफ सफाई कैसी है, और कितने प्यारा प्यारा गार्डन बनाया है। तो आप देख सकते हो बनारस की गलियाँ। तो भैया मैं आ चुका हूँ बनारस। बनारस में आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से। तो ये देखो भाई, ये चौराहा है, ये देखो दिखा गोलाकार चौराहा है। और मैं जा रहा हूँ राइट साइड सिटी के अंदर, और मैं जा रहा हूँ अभी घाट। गाइस यहाँ पे कमिश्नर साहब का ऑफिस है, और ये देखो पूजा कर रहे हैं कमिश्नर साहब। और यहाँ पे लिफ्ट नहीं मिल रही, ऐसे जा रहा हूँ। और देखो साफ सफाई। देखो भाई काशी का मेन मार्केट, और होली चल रही है तो आपको हर जगह देखने को मिल जाता है। तो ये मार्केट है यहाँ की, देख लो।
मुझे पुल उस पार जाना है। देखो भाई दशमेश घाट 2 किलोमीटर, बाबा विश्वनाथ मंदिर 2 किलोमीटर, जा रहा हूँ मैं पैदल। देखो भैया जाम कितना सारा है, भयानक वाला जाम, चारों तरफ से जाम है भाई। काशी में आने के बाद ऐसे लग रहा टाइम स्क्वायर आ चुके हैं, देख रहो सेम वैसे ही फीलिंग लग रही। ये देखो चारों तरफ का नज़ारा ऐसा है। अब वाराणसी भैया डमरू तो पैक है अभी, बाकी ये देखो नज़ारा यहाँ का, सामने दशरथ भवन है, वो बैठे भोलेनाथ हमारे, और इधर आरती होने वाली, तो आज आपको आरती दिखाएंगे हम। चलो फिर चलते हैं घाट में। ये जो घाट है दशमेश घाट है, ये देखो भाई साहब नज़ारा, गंगा आरती देखने के लिए कितने सारे लोग बैठे हैं। तो भैया आज हम आपको दिखाने वाले हैं गंगा आरती कहाँ की, बनारस की, तो बने रहो और काफ़ी मज़ा आने वाला है। शाम को 6 बजे आरती होती है और मैं पहुँच चुका हूँ सही टाइम पे, और आरती कुछ ही टाइम बाद शुरू होने वाली है 10 से 15 मिनट के बाद। ये देखो भाई शाम का नज़ारा, सामने चंदा मामा और नीचे लोग, और यहाँ पे आरती की तैयारी चल रही है इस टाइम अभी। आरती शुरू होने जा रही का समापन हो गया गाइस। तो आरती कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में लिखे नमामि गंगे, जय गंगा माता। और ये
देखो अभी भी नज़ारा चल रहा है, मतलब डांस चल रहा है होली से पहले। फॉग उड़ा रहे लोग ढोलक में झूम उठे। होलिका दहन होने वाली है गाइस, तब तक एंजॉय करो डांस। बारह बज के एक मिनट पे जला दी गई, होलिका दहन हो गई। तो बनारस दशमेश घाट भैया होली जलने लगी और दहन हो गया, और मैं हूँ अभी दशमेश घाट में, देख सकते हो पीछे, और मैंने यहाँ पे अपना कैंप लगाया। तो आज का ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, मिलता हूँ नई वीडियो पे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और एक प्यारा कमेंट करो। हर हर महादेव, जय श्री राम दोस्तों। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।